पाकिस्तान ने चूड़ियां नहीं पहन रखी। अरे पाकिस्तान के चहेते नेता और ये चहेता विपक्ष, ये सुन ले, पाकिस्तान अगर हिंदुस्तान की तरफ आंख उठाकर देखेगा यार मुकेश, तो जैसे सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक करके करारा जवाब दिया है, अब तो भारत की बेटियां चूड़ियां पहनकर हाथ में AK-47 पकड़कर पाकिस्तान से घुसपैठ करने वालों को कब्रिस्तान तक भेजने का काम करती। और ये वो पुराना भारत नहीं कि आप हेमराज का गला काट कर ले जाए हमारे शहीद जवान का, और यहाँ की निठल्ली निकम्मी UPA की सरकार बैठी रहे हाथ पे हाथ धर के। अब तो करारा जवाब दिया जाता है, जैसे आज ही 2 आतंकवादियों को 72 हूरों के पास भेजने का काम किया। सिर्फ पन्ना प्रमुख कार्यक्रम को लेकर क्या कहेंगे, क्या मैं अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी का आभार प्रकट करता हूं, जिन्होंने अपना कीमती समय निकालकर हमारे लगभग 20,000 कार्यकर्ताओं को संबोधित किया, जहां हमारे प्रमुख पन्ना प्रमुख थे, पोलिंग बूथों की कमेटियां थी, और ये विश्वास दिलाया है उन्होंने कि हम चारों की चारों सीटें लोकसभा की भी जीतेंगे और विधानसभा की भी 6 की 6 सीटें जीतेंगे। थैंक यू सैम पिटीरोडा ऑन यू। कितनी बार हिंदुस्तानियों का अपमान करोगे, कभी स्त्री धन, कभी पशुधन, कभी संपत्ति, इस पर कांग्रेस के नेताओं की, उनके मेंटर गाइड फिलोसफर की नजरें रहती हैं। कभी संपत्ति को आपकी संतान से लेने की बात और विचार ऐसे देने का काम करते हैं, तो दूसरी ओर अब हमारे भारत के पूर्व के जो निवासी हैं उनको चीन के साथ में कहते हैं, उनकी शक्लें चीन जैसी दिखती हैं, पश्चिम वालों की अरब जैसी दिखती हैं, उत्तर वालों की अंग्रेज की तरह दिखती है, और दक्षिण वालों की अफ्रीकन की तरह दिखती है। इससे बड़ा जातिवादी बयान क्या हो सकता है, कितना बांटोगे जाति के नाम पे, क्षेत्र के नाम पे देश को, और ये देश अब स्वीकार नहीं करेगा। देश सबका साथ सबका विकास इसी मूल मंत्र के साथ आगे चलता है, लेकिन कांग्रेस का घिनौना चेहरा पशुधन स्त्री धन छीनने वाला, आपकी संपत्ति छीनने वाला, और अब आपको जाति के नाम पर नीचा दिखाने वाला सामने आया है, जिसकी हम निंदा करते हैं।